तो बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रामनवमी के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा महाशोभा यात्रा निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने इस वर्ष रामनवमी को बेहद भव्यता के साथ मनाने का निर्णय लिया है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के अनुसार रामनवमी के अवसर पर निकालने वाली शोभा यात्रा में तकरीबन 20 से 25,000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके लिए तैयारियां भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा की जा रही है। यह शोभा यात्रा दंतेश्वरी माता मंदिर से निकलेगी और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर यह शोभा यात्रा गुजरेगी। शहर के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा बस्तर कलेक्टर रजत बंसल से मुलाकात कर SBI चौक का नामकरण प्रभु श्री राम के नाम पर करने और नवरात्र में शक्ति उपासना के दौरान सप्तमी अष्टमी और नवमी को शुष्क दिवस और मांस मंदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। हमारा जो टीम का पहले जो प्लान था 10-12 हज़ार 13 हज़ार के अंतर्गत हम रहने वाले हैं, लेकिन अभी जो उत्साह है लोगों का तो मुझे लगता है 20 से 25, और मतलब ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक कभी हुई नहीं होगी ऐसी रैली होने जा रही। तो हम सबसे आग्रह भी करते हैं मीडिया बंधु सब कि सब लोग इस यात्रा में सहयोगी हो, क्योंकि राम जी की यात्रा है।